नमस्कार, डीवी न्यूज में आपका स्वागत है। शिवनी मालवा के बीजेपी विधायक प्रेम शंकर बरवा के खिलाफ सोशल मीडिया पर अर्जुन पटेल नाम के युवक ने अपनी आईडी से एक पोस्ट किया, जिसमें विधायक प्रेम शंकर वर्मा पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। हालांकि पोस्ट डालने के कुछ समय बाद उसे हटा भी दिया गया। तब तक किसी ने शेयर किए गए पोस्ट के स्क्रीनशॉट ले लिए, जिसके बाद सोशल मीडिया पर जमकर वायरल होने लगा। वहीं युवक ने विधायक पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पोस्ट में विधायक प्रेम शंकर वर्मा की फोटो डालकर लिखा गया है कि ये हमारे विधायक हैं, इतने गऊ हैं। आजकल शिवनी मालवा वानापुरा में 2 से 5 करोड़ की संपत्ति खरीदने के इच्छुक हैं और 5 साल पहले डिफॉल्टर थे। हर विभाग से मात्र 5%, बाकी आप समझदार हो। वही बता दें कि सोशल मीडिया पर पोस्ट वायरल होते ही क्षेत्र में चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया। विधायक प्रेम शंकर वर्मा ने कहा है कि जिसने भी ये पोस्ट डाली है, मैं उसके खिलाफ FIR दर्ज करवा कर कोर्ट में जा रहा हूँ। वो इस बात को साबित करे कि हमने किसी से भी 5 रुपए रिश्वत के रूप में लिए हैं। विधायक ने आगे कहा कि कितने ट्रांसफर हुए, एक भी कोई बोल दे कि मैंने किसी से भी पैसे लिए। जिस व्यक्ति ने पोस्ट डाली है उसने मुझसे माफी मांगी कि मुझसे गलती हो गई, पर मैं इसके बाद भी उसे छोड़ूंगा नहीं। ये क्षम्य अपराध नहीं है, किसी के भी खिलाफ ऐसी पोस्ट डाली जाए। वहीं विधायक प्रेम शंकर वर्मा ने कहा कि हम आज ही वकील से चर्चा कर इस मामले को लेकर शिवनी मालवा थाने में मामला दर्ज कराएंगे, साथ ही न्यायालय की शरण में भी जाएंगे। उन्होंने कहा कि लोग अच्छी राजनीति कर रहे हैं, यदि किसी के पास इस बात का प्रमाण है तो प्रस्तुत करें, झूठी अफवाह नहीं फैलाएं। विधायक जी, आपका चुनावी समय बहुत नज़दीक है, लेकिन कुछ ऐसी पोस्टें आ रही हैं कि विधायक के द्वारा 5 से 8 करोड़ रुपए की जमीन खरीदी जा रही है, ये किया जा रहा है, आपने भी पढ़ा होगा, इसमें क्या कहना है? मेरा ये कहना है, जिनने भी ये पोस्ट डाली है मैं उनके खिलाफ में कोर्ट में जा रहा हूँ, FIR दर्ज कर रहा हूँ, वो इस बात का प्रमाण पत्र प्रमाण दें। एक भी उदाहरण, मैं तो सार्वजनिक तौर पर कहता हूँ, एक भी उदाहरण कोई दे दे कि जिससे मैंने 5 रुपए भी रिश्वत के रूप में ली। कितने ट्रांसफर हुए, कितने वो हुए, एक आध ला के खड़ा तो कर दो। विधायक ने हमसे ट्रांसफर के मामले में पैसे लिया, किसी भी मामले में पैसे लिए, कितने लोगों को मैंने विधायक निधि के द्वारा और उनको उनको राशि दी। एक सरपंच से कोई बात करवा दो कि कहीं कोई मतलब कोई कहीं राशि की गड़बड़ी हुई है, सवाल ही नहीं उठता। कब तक FIR? बिल्कुल, मैं अभी मैं आपको और बता दूंगा उदाहरण के तौर पर कि जिस व्यक्ति ने ये पोस्ट डाली है उसका मेरे पास वीरेंद्र मिश्रा जी हैं क्या? इनके माध्यम से खबर आई कि भैया मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई है, नशे में मैंने ये सब कर दिया है और मैं विधायक जी से क्षमा मांगना चाहता हूँ। बोला नहीं बोला, कल की बात है, लेकिन इसके बाद भी हम छोड़ने वाले नहीं है। आपको लगता नहीं है कि चुनावी समय नजदीक है और एक प्रबल दावेदार के रूप में एक बार फिर से आप शिवनी मालवा से हो, इस प्रकार से कृत्य करने वाले के ऊपर कड़ी कार्रवाई होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, और इसमें उसको मैं छोड़ूंगा नहीं किसी भी हालत में। ये क्षम्य अपराध नहीं है कि किसी के खिलाफ में इस प्रकार के झूठे चार्ज लगाए जाए, बिल्कुल छोड़ने वाला नहीं। कब तक FIR करवाएंगे? आज ही हम पता कर लेते हैं उसकी कानूनी कार्रवाई के हिसाब से, किसी वकील से पूछ के, और हम करेंगे किसी भी हालत में करेंगे। शिवनी मालवा से अरुण कश्यप की खास खबर। और भी खास जानकारी के लिए देखते रहें डीवी न्यूज।